हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आज की वीडियो में जो बात होने वाली है विनोविया कीटनाशक के ऊपर, जो FMC कंपनी द्वारा इसे निर्मित किया गया है। FMC कंपनी जो एक भरोसेमंद कंपनी है, क्योंकि इसने पहली बार जब क्रोजन को बनाया था तो क्रोजन एक ऐसा दवा निकला जो किसी भी सब्जियों पर, किसी फसल पर अगर मार दिया जाता है, कीड़े लगते हैं तो एक महीने तक उस सब्जी पर, उस फसल पर कीड़े नहीं आते, इसमें क्षमता देखने को मिलता है। इसीलिए हमने सोचा विनोविया कंपनी का ये जो स्प्रे किया गया कीटनाशक FMC ने बनाया है, इसमें भी कुछ खासियत देखने को मिला होगा। तो कुछ जानकारियां लेने के बाद पता चला कि ये 18 प्रकार की कीड़ों को मारने की क्षमता रखती है सब्जियों पर, फलों पर। ऐसे समय पर इसे यूज करते हैं तो आपको सब्जी या फलों से कीड़े मारने की क्षमता पूरी देखने को मिलती है। तो किसान भाई, ज़्यादातर तो 18 प्रकार की जितने कीड़े इसमें बताए गए हैं, उस प्रकार के कीड़े तो देखे जाते हैं सब्जियों के खेतों में या फलों पर, इस प्रकार के कीड़े देखे जाते हैं। तो इस दवा के स्प्रे से आपको लाभ हो सकता है, परंतु इस दवा से कितने प्रकार के लाभ आप देख सकते हैं? इस दवा के स्प्रे से आप ज़्यादा से ज़्यादा फलों की संख्या ले सकते हैं, आपके फलों में ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगी, सब्जियों में उत्पादन देखने को मिलेगी, सब्जियों की कल्ले को संख्या बढ़ेगी, जैसे फुटाव जो होता है ना, ऐसा भी देखने को मिलेगा इसके स्प्रे से विनोविया के। और पूरी तरह से जड़ों में मजबूती भी देखने को मिली, और जो डालियां होती हैं सब्जियों की डालियां, फलों की डालियां जो होती हैं, तनाव मुक्त हो जाती हैं, अधिक उपज देने के लिए लाभकारी हो जाती हैं, उसमें यह असर देखने को मिलता है। और पूरी तरीके से मिट्टी को भी यह अच्छी तरीके से मजबूती देता है विनोविया जब स्प्रे किया जाता है। विनोविया एक तरीके से कीटनाशक भी है, एक तरीके से टॉनिक भी काम करता है सब्जियों के, फलों के ऊपर, ये बहुत अच्छा होता है। 18 प्रकार के कीड़े जो देखने को मिलते हैं, इसी प्रकार के कीड़े आपके फसलों पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह विनोविया में यह खासियत है, जो 18 प्रकार के कीड़े हैं, कैसे अवस्था में इसके स्प्रे करने चाहिए, कैसे अवस्था में छिड़काव करने चाहिए, जो आपके लिए लाभकारी हो, फूल के ऊपर भी लाभकारी हो, सब्जियों फलों के ऊपर भी लाभकारी हो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देखने को मिले। विनोविया का प्रोडक्ट तो महंगा होता है, FMC का जितने प्रोडक्ट आते हैं वो महंगे होते हैं, क्रोजन भी महंगा होता है। इसके पहले मैंने क्रोजन पर एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं क्रोजन में कितने सब्जियों पे कैसे क्रोजन की मात्रा छिड़कनी है, कैसे छिड़काव करने, जिससे आपको अच्छा उपज देखने को मिले, अच्छा लाभ ले सकते हैं, इसका वीडियो आप देख सकते हैं, नीचे लिंक दे दिया जाएगा। तो किसान भाई, जानकारी हम तो अच्छी तरीके से आपको देंगे, सटीक तरीके से देंगे, जिससे आपको अच्छा फायदा हो सके। प्रति एकड़ में कितना इस विनोविया का छिड़काव करना है, किस खेती में कितना छिड़काव करना है, ये सारी जानकारी आपको एक एक करके मिल जाएगी। जैसा कि किसान भाई अगर मिर्च की खेती किए हैं, मिर्च की खेती में कब विनोविया का स्प्रे करना चाहिए? मिर्च की खेती में विनोविया का स्प्रे करने के लिए 240 ml प्रति एकड़ में लगता है। जब भी पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है, उसी समय पर विनोविया का छिड़काव करना चाहिए, जिसमें मकड़ी के जाले लग जाते हैं, फफूंद लग जाते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के कीड़े लगने लगते हैं, इसे दूर भगाने में बहुत सहायक होता है विनोविया। और दूसरी सब्जियों की बात की जाए, अगर टमाटर की फसलों में आप इसे स्प्रे करना चाहते हैं, तो प्रति एकड़ में 360 ml की ज़रूरत पड़ती है। जो 20 से 25 दिनों के पौधे हो जाते हैं, उस अवस्था में इसको स्प्रे करना चाहिए। उस अवस्था में अगर स्प्रे करते हैं तो आपको कई प्रकार से लाभ हो सकते हैं, फलों के ऊपर भी लाभ होंगे, पौधे के ऊपर लाभ होंगे, फूलों के ऊपर लाभ होंगे, आपका पौधा भी ग्रोथ करेगा, ये खासियत देखने को मिलती है। बैंगन के पौधे पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। आगे बात किया जाए, बैंगन के पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं, बैंगन के पौधे पर इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि बैंगन का पौधा मजबूत होता है, जबर होता है, उस पर कीड़े भी बहुत अधिक लगने लगते हैं। जब भी बैंगन के पौधे पर कीड़े लगने लगते हैं तो संभालना मुश्किल हो जाता है, परंतु विनोविया का स्प्रे करेंगे आपको संभालना कि आप सब्जियों की खेती अच्छी तरीके से कर सकते हैं। प्रति एकड़ में 360 ml की जरूरत पड़ती है, ये भी 30 से 35 दिनों के अंदर इसका स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगर पत्ता गोभी पर इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो प्रति एकड़ में 240 ml करना पड़ेगा, जो 20 से 25 दिनों के अंदर इसका करना पड़ेगा। इसमें भी आपको कीड़े, जितने प्रकार के कीड़े लगेंगे पत्ते गोभी, पत्ता छेदक, जितने कीड़े लगेंगे वो सब साफ हो जाएंगे, इस प्रकार के कीड़े साफ हो जाएंगे। अगर भिंडी के पौधे पर इसका स्प्रे करना चाहते हैं, प्रति एकड़ में 360 ml की जरूरत पड़ती है, ये भी आपको 20 से 25 दिनों का पौधा होता है, तब इसका स्प्रे करेंगे तो आपके फलों में ग्रोथ देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी, आपके फल आने की चांसेस अच्छी हो जाती है, उसमें अच्छे फल आते हैं, ये भी खासियत देखने को मिलता है। कीटनाशक के साथ साथ टॉनिक का काम भी करता है। अगर खीरा ककड़ी के फसल पर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो 360 ml प्रति एकड़ इसका स्प्रे कर सकते हैं, खीरा का कर दें तो वही भी इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो 360 ml प्रति एकड़ कर सकते हैं 20 से 25 दिनों के पौधे पर। अंगूर की खेती किए हुआ अंगूर पर प्रति एकड़ में 360 ml करना चाहिए, 40 से 50 दिनों के अंदर इसका स्प्रे कर देना चाहिए, उसमें भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अनार की खेती पर करना चाहते हैं तो 360 ml प्रति एकड़ इसका स्प्रे करना पड़ेगा, ये भी 40 से 50 दिन का पौधा हो जाता है तब स्प्रे कर सकते हैं। कपास की खेती किए हैं तो इस पर भी 40 से 50 दिन का पौधा हो जाता है तब इसका विनोविया का स्प्रे करेंगे,
तमाम प्रकार के 18 प्रकार के कीड़ों को मारने की क्षमता रखता है। तो आपको फसलों को ग्रोथ देगा, आपकी फसलों को लाइट देगा, आपकी फसलों को मजबूत बनाएगा, खेती को मजबूत बनाएगा, हर प्रकार से आपको मजबूत ही करेगा। आने वाले समय में अच्छी खेती कर सकते किसान भाई, जब अच्छी प्रोडक्ट अच्छी दवाओं की जानकारी रहेगी तभी आप अच्छी खेती कर सकते हैं और सफल किसान कहला सकते हैं। तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए, जिससे हम आपको अच्छी जानकारी देंगे, अच्छी वीडियो के बारे में बताएंगे, अच्छी दवाओं के बारे में बताएंगे, जिससे आपके अच्छे फसल लग सकते हैं और अच्छे फसल की खेती कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे चल के आपको अच्छे प्रोडक्ट ला के प्रोवाइड करवा सकें।